सरगुजा पुलिस के द्वारा जिले के थानों में खड़े वाहनों की नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं जिले के थानों में खड़ी दो चक्का पार और चक्का वाहन सहित साइकिल मालिकों से वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कर अपने वाहन को प्राप्त करने सालों से थानों में खड़े वाहनों के मालिकों की तलाश कर रही है। दरअसल सरगुजा जिले के थानों और चौकियों में सालों से खड़ी 694 दो चक्का और एक चार चक्का सहित 7 साइकिलों के मालिकों की तलाश की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने इश्तेहार भी प्रकाशित किया है, जिसमें 15 दिवस की समय अवधि दी गई है। अवधि के पूर्व वाहन स्वामी के द्वारा वैध दस्तावेज थाने में प्रस्तुत करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर अपने वाहन को प्राप्त कर सकते हैं। जब्त वाहनों को लेकर सरगुजा पुलिस ने RTO से संपर्क कर वाहनों की जानकारी लेकर संबंधित वाहन स्वामियों को पत्राचार के माध्यम से जानकारी देते हुए पुलिस ने वाहनों पर कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार काफ़ी समय से जो थाने परिसर में पड़े हुए जो लवारिस वाहन हैं उसको अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए नीलामी की प्रक्रिया करनी है। इसके लिए पुलिस सेक्टर की भी कायमी की गई है और संबंधित SDM कार्यालय से जो है इश्तहार का प्रकाशन भी किया गया है। पूरे जिले में अभी तक के जो वर्तमान आंकड़े हैं उसमें 694 दो पहिया है, एक जो है वो 4-व्हीलर है और 7 जो है वो साइकिल है। इसमें इश्तहार का प्रकाशन में 15 दिन का जो है वो समय दिया जाता है कि अगर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो वो थाने में आकर के संपर्क करके अपने केस टू केस डिपेंड करके फिर अपनी जो वाहन है उसको प्राप्त कर सकता है। अभी भी वर्तमान में अगर किसी के पास में कोई वैध दस्तावेज है और वो थाने में जा करके उस वैध दस्तावेज को दिखा करके फिर वो क्या केस में है और किस तरह से उसको मतलब ले सकता है उसके बारे में अपनी जानकारी थाने में जा करके वो प्राप्त कर सकता है। तकरीबन 12 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं जिनको नीलामी की प्रक्रिया किया जाना है।